मेहराज बगल में छुरी, जैसा मौका मिलेगा आपका गर्दन काट देगा। राज्य में एक अनिश्चित स्थिति बनाई हुई है और ऐसे फैली साहब के द्वारा विधायकों को डरा कर धमका कर पैसे से खरीद कर राज्य को अस्थिर करने का प्रयास किया जा रहा है। मैं अपना और गला बेवजह इनके सामने अपना खराब नहीं करना चाहता। इनको हम अपने काम और अपने उपलब्धियों के बदौलत इनको कुचलेंगे, इनके मंसूबे का कुचलेंगे। मेरा आप लोगों से ये आग्रह होगा कि आज जो प्रस्ताव आया है, इस प्रस्ताव को आप लोग कृपया पूरा सुने और मैदान छोड़कर भागने का प्रयास ना करें। इस राज्य के 3.25 करोड़ जनता में आप लोग भी शामिल हैं, हम लोग भी शामिल हैं। और जब हम राज्य के 3.25 करोड़ लोगों की जनता को संतुष्ट करने का प्रयास कर रहे हैं तो स्वाभाविक रूप से आप लोगों को भी संतुष्ट करने का हमारा प्रयास होगा। कई लोग हमारे विपक्ष के साथी कह रहे हैं कि सरकार को बहुमत है तो विश्वास मत की क्या आवश्यकता है। अध्यक्ष महोदय, वो इसलिए है अध्यक्ष महोदय और ये सत्र और ये सरकार ये साबित करना चाहती है और ये देश को, राज्य की जनता को ये बताना चाहती है कि वर्तमान हमारी यूपीए की सरकार 2019 के बाद से लेके आज तक कोरोना जैसे वैश्विक महामारी का भी मुंहतोड़ हम लोगों ने जवाब दिया, झारखंड जैसे पिछड़े राज्य को जिस तरीके से सरकार ने संभाला है और ये सौभाग्य हम सब लोगों को प्राप्त हुआ, यूपीए गठबंधन को यह प्राप्त हुआ कि ये महामारी हमारे सरकार के दौरान आई। अगर इनके दौरान आती तो पता नहीं यहाँ के गरीब आदिवासी दलित पिछड़ों का क्या होता, अध्यक्ष महोदय यहाँ के मजदूरों का क्या होता, ये कहना बड़ा मुश्किल है। क्योंकि इनके ज्वाला कमान है वो तो भाषणों में बोलते हैं कि हवाई चप्पल वालों को हवाई जहाज में चढ़ाएंगे, हवाई जहाज तो छोड़िए सड़कों पर भी चलने लायक नहीं रखा उसको, भीख मांगने की स्थिति ले आई देश के अंदर। और स्थिति यह है अध्यक्ष महोदय, झंडा लगाने का एक एजेंडा फिट करने लगा किया गया, जिस तरीके से हमारे भारतीय जनता पार्टी के साथियों ने झंडा बेचने का काम किया है ये भी पूरे देश को पता चला। अध्यक्ष महोदय, इन लोगों ने तो कोई कसर नहीं छोड़ा। अध्यक्ष महोदय, आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं अध्यक्ष महोदय, देश को बेचने के साथ साथ इन लोगों ने झंडा भी बेचना प्रारंभ किया। जीवन में कभी तिरंगा झंडा तो इन लोगों ने फहराया नहीं अध्यक्ष महोदय, लेकिन इस देश का लोकतंत्र को बेचने का लगातार 2014 से प्रयास रखा अध्यक्ष महोदय। ना खाएंगे ना खाने देंगे का नारा लगाने वाले, सबका साथ सबका विकास का नारा देने वाले इनके आलाकमान किसी का साथ नहीं देते, किसी को साथ लेकर नहीं चलते, सिर्फ और सिर्फ व्यापारियों की ये समूह
व्यापारियों को मदद करने के लिए, वो भी चंद व्यापारियों को मदद करने के लिए पूरे देश को इन लोगों ने ताक पर रख दिया है अध्यक्ष महोदय। आज गरीबों को पेंशन देने का इनके पास पैसा नहीं है अध्यक्ष महोदय, और ये कहते हैं कि सरकारें रेवड़ियां बांटती है। अध्यक्ष महोदय, व्यापारियों का कर्ज माफ होता है, 10-10 लाख करोड़ रुपए का कर्ज माफ होता है, उसको रेवड़ी बांटना कहते हैं अध्यक्ष महोदय। अध्यक्ष महोदय, आप विगत 2014 से लेकर आज तक देखें अध्यक्ष महोदय, और इस राज के राज अलग होने के बाद से इन लोगों ने जिस तरीके से सत्ता पक्ष में बैठकर इस राज की दुर्गति की है अध्यक्ष महोदय, उसका करारा जवाब इन लोगों को 2019 में इस राज की जनता ने दिया अध्यक्ष महोदय। आज उसकी लाठी की दर्द इतनी दर्दनाक रही है अध्यक्ष महोदय कि उसका बर्दाश्त ये आज तक नहीं कर पा रहे हैं। जब राजनीतिक तौर पर ये हमसे नहीं सक रहे हैं तो अपने संवैधानिक संस्थाओं को देश के गैर भाजपा शासित राज्यों में भेज भेज करके वहां की लोकप्रिय सरकार को अस्थिर करने का प्रयास किया जा रहा है अध्यक्ष महोदय। अध्यक्ष महोदय, इनके ये ऐसे समूह के लोग हैं, मुझे आज उस कड़ी को मैं जोड़ रहा हूं जो मैं अभी हाल के दिनों में चीजें सामने आई। ये ऐसे मान्य सदस्य, मान्य सदस्य आसन से सुने, अनुयायी अध्यक्ष महोदय सुनिए सुनिए सुनिए, जिनके मार्ग मेरा बोलने सुनिए, बुलबुल के पंख में उड़ के जेल से बाहर निकलते थे, और वही ये लोग हैं जो ये यहाँ पर हाथी उड़ाने का काम करते थे अध्यक्ष महोदय। अब बुलबुल के पंख में ये उड़ते हैं, हाथी में उड़ते हैं, सोने के थाली में ये खाना परोसते हैं, और यहाँ के लोग और इनकी सरकार में भाग भाग करके लोग अपनी जान देने के लिए मजबूर होता रहा अध्यक्ष महोदय। और जिस तरीके से आज हम लोगों ने काम किया है अध्यक्ष महोदय, अगर मैं वो गिनाना शुरू करूंगा तो इनकी लिखते लिखते इनकी स्याही खत्म हो सकते हैं अध्यक्ष महोदय। अध्यक्ष महोदय, आज इस सरकार को पत्रकार, मीडिया चैनल, तरह तरह के सोशल मीडिया, चाहे क्षेत्रीय हो चाहे अंतर्राष्ट्रीय स्तर का हो, सब जगह इनको बदनाम करने का एक षड्यंत्र रचा जा रहा है। आज यहाँ के इस राज्य के भी बड़े बड़े पत्रकार, लेखक को मैं बहुत उनकी आज की उनके एडिटोरियल और उनके जो अखबारें छपते हैं उनको मैं बहुत गंभीरता से देखता हूँ कि वो किस तरीके से राज्य की जनता और राज्य की राजनीतिक गतिविधियों पर नजर रखते हैं और उसको प्रकाशित करते हैं। अध्यक्ष महोदय, मुझे बहुत दुख होता है, आज के दिन में भी जो आजादी से पहले जो यहाँ पर मनुवादी की सोच स्थापित रही है वो कहीं ना कहीं आज उसको एक बढ़ावा दिया जा रहा है। अध्यक्ष महोदय, जहाँ हम संविधान की कसम खाते हैं, जहाँ लोकतंत्र की कसम खाते हैं अध्यक्ष महोदय, जहाँ पर जाति धर्म नस्ल रंग भेद को छोड़कर ही देश का विकास हो सकता है, इसकी कसम खाते हैं अध्यक्ष महोदय, ये वहीं पर हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई का नारा लगा करके देश को भाग भाग में बांटने का काम कर रहे हैं। आज देखिए हमारे यहाँ कई नेता बैठे हैं, क्या हिंदू मुस्लिम की लड़ाई होती है, ये अचानक एक बैठाव की तरह वहाँ हाजिर हो जाते हैं। आज इनके नेता जहाँ ये घटना होते हैं, हवाई जहाज से जेट प्लेन से आते हैं और बोलते हैं कि हम इनको राहत दे रहे हैं अध्यक्ष महोदय, और बोलते हैं सरकार की जिम्मेवारी है, इनको क्यों नहीं आप लोगों ने हवाई जहाज से रेस्क्यू कराया। मैं ये जानना चाहता हूँ अध्यक्ष महोदय, अगर इनके पास इतना पैसा है
तो ये खुद क्यों नहीं हवाई जहाज से उनकी रेस्क्यू करते हैं अध्यक्ष महोदय, जहां लाखों करोड़ रुपया की बंदर बात करते हैं अध्यक्ष महोदय। और आज देख लीजिए 20 सालों में कितने इन लोगों ने मरीजों को रेस्क्यू कराया इस देश इस राज्य से, आज बताना चाहिए अध्यक्ष महोदय। चाहे इस सरकार में अध्यक्ष महोदय, चाहे वो मुजरिम हो चाहे वो आम नागरिक हो, उसकी सुरक्षा हर संभव प्रयास करती है अध्यक्ष महोदय। सरकार इस राज्य में किसी को मरने के लिए नहीं छोड़ सकती है अध्यक्ष महोदय। हमने एक बच्ची को भी रेस्क्यू करा करके दिल्ली भेजा अध्यक्ष महोदय इलाज कराने के लिए, वहीं पर सरकार की कस्टडी में एक बेचारा नौजवान जिंदगी और मौत से लड़ रहा था, उस लड़के को भी हमने आवाज आज से रेस्क्यू करके भेजा था अध्यक्ष महोदय। वो तो वो छोड़िए, इनके माननीय विधायकों को भी हम लोगों ने रेस्क्यू करके यहाँ से बाहर भेजने का काम किया। आज इनके विधायक जिंदगी और मौत से जूझ रहे हैं, तो इस सरकार काफी गंभीरता और संवेदनशीलता से उन चीजों को देखता है। बड़ा ताज्जुब है अध्यक्ष महोदय, यहाँ पर अध्यक्ष महोदय आज जिस तरीके से हम काम कर रहे हैं इनको पता चल चुका है, और इन लोगों ने एक सर्वे भी करा लिया है अध्यक्ष महोदय। जो मुझे जानकारी है कि सर्वे में ये आने वाला 2024 में इनका सुपड़ा साफ होने जा रहा है अध्यक्ष महोदय, इसलिए है इनके इन प्रकार इस सरकार को अस्थिर करना चाहती है अध्यक्ष महोदय। गंभीर बात कहना चाहता हूं, लेकिन आज ये चर्चा का जरूरत है अध्यक्ष महोदय, इसलिए माननीय सदस्यों को खड़े होकर ही इस विषय को सुनने की आवश्यकता है अध्यक्ष महोदय। आज जिस तरीके से हमारे सरकार के ऊपर हस्तक्षेप लगाए जा रहे हैं, आज हमारे 3 विधायक बंगाल में है, और उस बंगाल में खरीद फरोख्त का जिम्मेवार असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा पर जाता है अध्यक्ष महोदय। आज अध्यक्ष महोदय उसकी जांच करने के लिए उन राज्यों में जा रही पुलिस को ये मदद नहीं करते अध्यक्ष महोदय। अध्यक्ष महोदय जिस तरीके से हमारा कौन सा 2 राज आपस में भिड़ गया पुलिस का, कौन राज लड़ गया था, नहीं नहीं मेघालय नॉर्थ ईस्ट तरफ में कौन 2 राज लड़ गया था, अध्यक्ष महोदय आपको याद होगा कि अरुणाचल या मेघालय के 2 जिला 2 राज्य के पुलिस आपस में लोगों ने खुली संघर्ष कर दिया। आज ये ऐसी स्थिति पैदा करना चाहते हैं अध्यक्ष महोदय, ये देश दूसरे देश से क्या लड़ेगा, ये तो राज्य में ही राज्यों को लड़ाने में लगा हुआ है अध्यक्ष महोदय। और ये गृह युद्ध की स्थिति पैदा करना चाहते हैं और दंगा करके फिर से ये चुनाव जीतना चाहते हैं अध्यक्ष महोदय। लेकिन मैं कह दूं, जब तक यूपीए की यहाँ सरकार है ऐसे मंसूबों को कभी भी हवा नहीं मिलेगा, और आपको मुंह तोड़ राजनीतिक जवाब भी देंगे और सदन के अंदर भी जवाब देने के लिए हम लोग सक्षम है अध्यक्ष महोदय। अध्यक्ष महोदय इस राज्य में विगत मुझे लगता है महीनों भर से 15 जब गवर्नर वाला काम कर शुरू हुआ, अध्यक्ष महोदय 25 अगस्त से इस राज्य में एक ऐसा वातावरण तैयार किया जा रहा है इलेक्शन कमीशन और हमारे राज्य के महामहिम राज्यपाल के द्वारा। इलेक्शन कमीशन कहता है हमने राज्यपाल को अपना मंतव्य दे दिया है, राज्यपाल कहते हैं और चुपचाप बैठ जाते हैं कि मुझे कुछ पता नहीं है। और अध्यक्ष महोदय क्या यूपीए के प्रतिनिधि उनसे मिलने जाते हैं तो वो स्वीकार करते हैं कि हमें इलेक्शन कमीशन से जो विवश था वो हमें प्राप्त हुआ है, 2 से 3 दिन हम लगाएंगे और उसका पताचेप करेंगे। अध्यक्ष महोदय महामहिम के द्वारा ये पताचेप न करते हुए वो राजभवन के पिछला दरवाजे से निकल करके दिल्ली में जाकर के बैठे हैं अध्यक्ष महोदय, जबकि कानून का ये सलाह कहता है जो इलेक्शन कमीशन के द्वारा भेजा गया जो परामर्श है उसको आप
सरकार को अवगत कराने की आवश्यकता है। लेकिन अध्यक्ष महोदय, ये ना करते हुए राज्य में एक अनिश्चित स्थिति बनाई हुई है और ऐसे फैली सभाओं के द्वारा विधायकों को डरा कर धमका कर पैसे से खरीद कर राज्य को अस्थिर करने का प्रयास किया जा रहा है। तो आज सदन में अध्यक्ष महोदय, इसी वजह से यह सत्र लाई गई है अध्यक्ष महोदय, कि देख लो सदन के अंदर हम कितने मजबूत हैं और एहसास कर लो कि सदन के बाहर हम कितने मजबूत हैं। आज आपने कभी देखा है, आज जाकर देखो सरकारी कर्मचारियों के चेहरे पर मुस्कान देखो, पारा शिक्षकों के चेहरे पर मुस्कान देखो, पुलिस कर्मियों के चेहरे पर मुस्कान देखो। आज अध्यक्ष महोदय, आंगनबाड़ी सेविका से सहायिका के चेहरों पर मुस्कान देखो। अध्यक्ष महोदय, क्या करेंगे अध्यक्ष महोदय, चलिए आज एक अकेला हेमंत सोरेन के लिए लोगों का कारण नहीं है लगा हुआ और यहाँ पर ऊपर ऊपर का डायरेक्शन है। लेकिन चिंता न करो, ये सीबू सोरेन का बेटा है, आंदोलनकारी का बेटा है, ना कभी आपसे डरा है ना कभी आपसे घबराने का काम करेगा। अध्यक्ष महोदय, आप लोगों अध्यक्ष महोदय, इनको बताना चाहिए भारत सरकार को हम लोगों ने सरनाथपुर भेजा है, उसका क्या हुआ वो बताओ, सरनाथपुर क्यों नहीं लागू हो रहा है। माननीय सदस्य आज माननीय सदस्य संसदीय आचरण के तहत अगर बोलते जवाब का जवाब देते तो विषय होता, अब आप खुद के बेल पर आकर के हाथ उठा के ये क्या समझाना चाहते हैं, समझ से परे है, समझ से परे है। माननीय सदस्य महोदय, जवाब को जवाब न काटिए, जवाब को जवाब न काटिए, तर्क को तर्क से काटिए, लॉजिक को लॉजिक से काटिए, तब ना व्यवस्था में बैठ बैठ। चलिए, आज ये केंद्र सरकार के अहंकार और घमंड में इतने चूर है अध्यक्ष महोदय, इनको लगता है कि जो हम चाहेंगे वो कर लेंगे, जो चाहेंगे वो कर लेंगे। लेकिन ऐसी बात नहीं है, आज इस राज्य में ऐसी सरकार है, जो गलत काम करेगा उसको बुरी से कठिन सजा देने के लिए हम लोग हर संभव प्रयास करेंगे। आज अध्यक्ष महोदय, हमारी सदस्यता को लेकर के ये हाइतबा मचाए हुए, इनका समरी लाल जी का क्या हाल है, देखिए एक विधायक वहां बैठा हुआ है, फर्जी विधायक यहाँ बैठा हुआ है अध्यक्ष महोदय, दूसरे राज्य से आके के फर्जी सर्टिफिकेट लेकर के विधायक बना हुआ है अध्यक्ष महोदय। अध्यक्ष महोदय, कहा के विधायक की अनुशंसा राजपाल ने इलेक्शन कमीशन को भेजा हुआ है। बाबू का उमंग देखने को बनता है माननीय सदस्य अध्यक्ष महोदय, उस सवाल पर चुप्पी साधे हुए और दो तीन विधायक को यहाँ बिकाऊ विधायक लोग बैठा हुआ, जो हमारे आदरणीय बाबूलाल मरांडी जी ना जाने इतने विद्वान होकर के कैसे कैसे आचरण करते हैं मेरे समझ से परे आता है। देख बहुत कैसे रंग बदलते हैं, गिरगिट भी शायद इतना जल्दी रंग नहीं बदलता है जितना हमारे आदरणीय बाबूलाल मरांडी जी, और हमारे आदरणीय सुदेश दास आदिवासी मूलवासी के सबसे बड़ा नेता, सम्मानित हो आपको। अध्यक्ष महोदय, 20 साल में ये हमेशा इनका प्रयास रहा है कि हमारे दोनों हाथों में लड्डू बना रहे, और अध्यक्ष महोदय यही नतीजा है, और ऐसे ही लोग की वजह से हमारे ऐसे ही आदिवासी कुछ और ऐसे ही मूलवासी लोगों की वजह से इस राज को छलता गया गया आया है अध्यक्ष महोदय। इसीलिए यहाँ पर स्थानीयता 1932 चाहे CNP SPT चाहे OBC की आरक्षण की बात हो, या आदरणीय बाबूलाल जी बैठे हैं, OBC का आरक्षण किसने घटाया है ये बता दे सदन को। अध्यक्ष महोदय, अध्यक्ष महोदय, आप बच्चे
सिद्धि बाबू थक गए, सिद्धि बाबू बच 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 बच। अध्यक्ष महोदय, इनके विपक्ष में भी इतने नौटंकी बाज और नए नए चेहरे वाले लोग हैं, इनको पहचान पाना बड़ा मुश्किल है। इनकी जो शाखाएं चलती है, उन शाखाओं में आदिवासी दलित पिछड़े अल्पसंख्यकों को कैसे बेकूफ बनाया जाए, इसकी एक ट्रेनिंग लेते हैं अध्यक्ष महोदय। अध्यक्ष महोदय, अभी इनका कुछ दिन पहले या पीड़ में इनको प्रशिक्षण दिया गया था, हमने उसमें देखा, मुझे जो खबर आई, इन्होंने अपना बैकड्रॉप बनाया 35 का खतियान, झारखंडी पहचान। मैं सदन से आश्वस्त करना चाहता हूँ सदन को, और मैं विपक्ष के साथियों से कहना चाहूंगा, 1932 और ओबीसी के मामले में बहुत जल्द सरकार आगे बढ़ने जा रही है, इसको आप भारत सरकार से करा के लेके आना, आप भारत सरकार से करा के ले आना, सरना कोड लागू करवा के ले आना, हमारा 35 के खतियान के आधार पर निर्णय करवा के आना, और ओबीसी के आरक्षण के संदर्भ में निर्णय करा करके आना। महोदय, हमारे यहाँ के लोग कुछ क्या बोले, कभी कभी हमारे आदिवासी भाई मूलवासी भाई के बारे में मैं कुछ बोलता हूँ तो मुझे ना जाने क्यों लगता है अध्यक्ष महोदय, मैं अपने हाथ को काट रहा हूँ। अध्यक्ष महोदय, मैं अपने शरीर को नोच रहा हूँ अध्यक्ष महोदय, लेकिन यहाँ के चंद जो इस तरीके के आचरण करने वाले नेता है, वो इस तरीके से अपने आप को कभी इधर कभी उधर ले जा जा करके अपने आप को देश के और राज्य के समक्ष और जनता के समक्ष प्रस्तुत करते हैं कि बेचारे और यहाँ के झारखंड के सरल सीधे साधे आदिवासी दलित पिछड़े लोग इनके चाल में आ जाते, समझ में नहीं आता इनको कैसे ठगा जाता। उस दिन अंकिता सिंह के यहाँ दुख व्यक्त करने गए, तीन ब्राह्मण वहां पहुंचे, निशिकांत दुबे, मनोज तिवारी और कौन शर्मा, कपिल शर्मा, और तो और कमाल की बात है, वह स्थानीय सांसद सुनील सोरेन को छोड़ दिया, और जब हमने इस बात को सवाल उठाया, जब दूसरी एक घटना घटी, बाबूलाल जी ने तुरंत सुनील सोरेन को अपने बगल में बैठा लिया, पहुंच गया। अध्यक्ष महोदय, इनका जो चेहरा है अध्यक्ष महोदय, इतना भयावह, इतना डरावना और इतना क्रूर है, इसको पहचानना इतना आसान नहीं है, लेकिन सत्ता पक्ष इनके क्रूरता को और इनकी सोच को भली भांति जानता है अध्यक्ष महोदय, इसलिए आप लोग चिंता ना करें, अगली बार जीतना तो छोड़िए, आप लोग अपना जमानत बचा लीजिएगा, यही बहुत बड़ी बात होगी। अध्यक्ष महोदय, इनकी चिंता है राज्य में सुखाड़ है, सुखाड़ पर सरकार को चिंता नहीं है। अध्यक्ष महोदय, आज ये सब सब सुखाड़ की चर्चा के लिए भी तैयार था अध्यक्ष महोदय, लेकिन जो स्थिति है इनकी अध्यक्ष महोदय, इनको करना धरना कुछ नहीं है, इनको लूट कर खाने की आदत रही है अध्यक्ष महोदय, दाल लगाएगा कोई काटेंगे ये। अध्यक्ष महोदय, ये वही सामंतवादी लोग हैं और वही मनुवादी लोग हैं जिनकी वजह से आज तक इस देश का ना आदिवासी ना दलित ना पिछड़ा आगे आ पा रहा। आज देश का राष्ट्रपति एक आदिवासी महिला को बनाकर आदिवासी मुख्यमंत्री का सत्ता छीनने की तैयारी कर रहा है। ये लोग वो लोग हैं अध्यक्ष महोदय, मुंह में राज बगल में छुरी, जैसा मौका मिलेगा आपका गर्दन काट देगा अध्यक्ष महोदय। अध्यक्ष महोदय, अध्यक्ष महोदय, सरकार सुखाड़ पर भी गंभीर है। अध्यक्ष महोदय, आपने देखा होगा अध्यक्ष महोदय कि हम लोगों ने, हमारी सरकार ने विगत इनके पाप के कर्म
पास किए हुए चीजों को हम लोगों ने कितने तकलीफ से ढोने का काम किया, किसानों को किसानों की ऋण माफी करने का काम किया, पहली बार समय से पहले बीज वितरण करने का काम हुआ। अध्यक्ष महोदय, वर्तमान समय में ये सबको पता है कि यहाँ पर बारिश बहुत अच्छी नहीं हुई है, कई जिला को लगभग सुखाड़ पूरी तरीके से हुआ पड़ा है और सरकार इस पर गंभीर है और बहुत जल्द इस पर समीक्षा उपरांत इस राज्य के लगभग पूरे राज्य के प्रति एक बेहतर योजना लाने की तैयार कर रही है। और इसलिए और भी सुनेंगे और अध्यक्ष महोदय, इस राज्य में एक ही आदमी मान्य सदस्य एक ही आदमी सुन रहा है, खाली सीपी बाबू, बाकी कोई और लोग नहीं सुन रहा है, सीपी बाबू ही सिर्फ सुन रहा है। अध्यक्ष महोदय ऐसे भी हो सुन तो रहा है, ये खड़े हुए जमात 1985 का इन लोगों ने स्थानीय परिभाषित किया। अध्यक्ष महोदय, हमारे आदरणीय बड़े भाई सुदेश जी यहाँ बैठे हुए और मौका जी मांग लीजिए, मांग लो सदस्य सेवा करते थे। जब 85 का स्थानीयता घोषित हुई तो ताली बजा बजा करके प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कह रहे थे कि 25 का ही 85 का ही खतियान लागू सबसे बेहतर। अध्यक्ष महोदय, क्या मतलब अगर एक एक व्यक्ति की अगर हम इनकी पर्चियां खोलने लगे अध्यक्ष महोदय, तो ये सत्र एक दिन का नहीं एक साल का बिता करना पड़ेगा आपको। लेकिन आप तो चिंता ना करें, आपको इस सत्र के माध्यम से ये दिखाना चाहते हैं, ये एहसास कराना चाहते हैं कि आप चोरी डकैती करने से कोई काम नहीं चलेगा, डराने धमकाने से काम नहीं चलेगा, खरीद बिक्री आप पैसे का ताकत ना दिखाए। अब इस राज्य की जनता जाग गई है और आने वाला समय में विधानसभा तो बाद में होगा, लोकसभा में इसका परिणाम आपको मिल जाएगा। अध्यक्ष महोदय, मुझे लगता है अध्यक्ष महोदय, भैंस के सामने बीन बजाना इनके कान में नार कुछ भी नहीं रिंगने वाला। ये वो लोग हैं मुंह में राम बगल में छुरी, और ऐसे चालाक चतुर लोगों के साथ बहस करना बहुत ज्यादा से बेहतर नहीं होगा। अध्यक्ष महोदय, सरकार की मंशा साफ है और हम चाहते हैं जो भी आपको हथियार चलाना है, जो भी आपके षड्यंत्र है, सामने से वार करो, पीठ पीछे वार करके क्या तुमको क्या अपने आप को साबित करना चाहते हो? आप लोग आइए आपने सामने, और आज राज्य के महामहिम को भी इसका पता चल करना चाहिए कि राज्य के मुख्यमंत्री के ऊपर क्या आरोप लगे हैं और उसका पूरा मुंहतोड़ जवाब देने के लिए भी और उसका कानूनी जवाब देने के लिए भी सत्ता पक्ष पूरा तैयार और एकजुट खड़ा है। इसलिए चूहों की तरह ओछी काम मत करें, छोटे छोटे कुतरने का बड़ा काम करने का कोशिश कीजिए। और आज देख लीजिए राज्य की जनता के चेहरों पर, आम नागरिकों के से बात करके जाके देखिए, दंगा करके किसी का भला नहीं हुआ। अध्यक्ष महोदय, आग लगा करके कभी भी राज्य का विकास नहीं हो सकता, और देश का प्रधानमंत्री जो देश के आधे राज्यों से लड़ रहा हो, उससे द्वंद कर रहा हो, देश का खाक विकास होगा? अध्यक्ष महोदय, इस देश में सबसे अधिक 90% ड्रग सप्लाई होता है तो अदानी के एयरपोर्ट से होता है, लेकिन कोई ADCBI नहीं जाता। अध्यक्ष महोदय, लेकिन यहाँ आदमी कपड़ा हटा करके एक्सप्रेस लगा ले तो ईडी हाजिर हो जाता है, CBI हाजिर हो जाता है, ये आ जाता है अध्यक्ष महोदय। इसलिए अध्यक्ष महोदय, मैं अपना और गला
बेवजह इनके सामने अपना खराब नहीं करना चाहता। इनको हम अपने काम और अपने उपलब्धियों के बदौलत इनको कुचलेंगे, इनके मंसूबे को कुचलेंगे और भारतीय जनता पार्टियों के विचारों को भी कुचलेंगे। इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी बातों को विराम देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद सबको। जोहार।